हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिंद्रास टेक। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके फ़ोन में जो मेनू बटन और बैक बटन होता है अगर उल्टा हो गया है तो उसे आप कैसे सीधा कर सकते हैं। इस वीडियो में यही सेटिंग आपको बताने वाला हूं। अगर आपका फ़ोन ओप्पो कंपनी से रिलेटेड कोई भी सेट है तो उसमें आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, 100% वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन किसी अदर कंपनी का है तो उसमें आप ये सेटिंग ट्राई कर सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है, उसकी दो वीडियो मैंने बना दी है। रियलमी और रेडमी दोनों कंपनी का अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इन बटन्स को सीधा करना बताया है। अगर आपका फ़ोन रियलमी या फिर रेडमी कंपनी से रिलेटेड कोई भी सेट है तो आप उन वीडियोस को देख करके अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। इस वीडियो में आपको ओप्पो कंपनी से रिलेटेड कोई भी सेट है उसमें ये सेटिंग अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि मेरा भी फ़ोन ओप्पो कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि मेरा भी फ़ोन ओप्पो कंपनी का ही है। तो चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको ये सब कुछ बताऊँगा कैसे आप इन बटन्स को सीधा कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वाले स्क्रीन शॉट को, इसमें जो बटन्स हैं मेनू बटन और बैक बटन, ये दोनों उल्टे हैं। और इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं इस वाले स्क्रीनशॉट में बिल्कुल सही है बटन, क्योंकि मैंने इसमें सही कर दिया है। तो चलिए ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आपका भी फ़ोन का बटन उल्टा हो गया है, मेनू बटन और बैक बटन उल्टे हो गए हैं, तो इसे आप सही कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गाइस। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन का जो बटन है ये उल्टा हो चुका है, मेनू बटन उधर चला गया है और बैक बटन इधर चला आया है। तो आपको इसे सही करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। सिस्टम सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे चले जाना है, ऐसे स्क्रॉल करते हुए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा, वन हैंडेड मोड, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वन हैंडेड मोड यहाँ पे ऑफ है, इस पर आपको इनेबल करना है। इनेबल जैसे ही क्लिक करेंगे इनेबल करने के लिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, कैंसिल और सेटिंग। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे वाले पर टिक मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले पर नहीं लगाना है आपको टिक मार्क, आपको ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप नीचे देखिए मेरा जो बैक बटन है बिल्कुल सही हो चुका है। अब मुझे बैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग अप्लाई हो जाती है, आपके फ़ोन के जो बटन हैं ये सही हो जाते हैं, तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।